हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है बीएसएफ, जी हाँ, बीएसएफ में आप लोग की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, एएसआई और कांस्टेबल की आप लोग की रिक्रूटमेंट है 2021 के अंतर्गत। टोटल 65 वैकेंसी है। इसमें आप लोग की जो है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई की वैकेंसी, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई की वैकेंसी और कांस्टेबल स्टोरमैन की आप लोग की वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो जाएंगे 27/6/2021 से। लास्ट डेट 26/7/2021 आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है। जल्द ही आप लोग को इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग को जो है वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो मेरे पास इसका नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसके अलावा कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी है, जो कि आप लोग की बीएसएफ एयर विंग्स, जी हाँ, बीएसएफ एयर विंग्स के लिए आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है ईयर 2021 में। तो ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के यहाँ पे होने वाले हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन है आप लोग तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट एयर विंग्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होम अफेयर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसी। वैकेंसी की डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई। तो मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। तो वैकेंसी की डिटेल मैं आप लोग को दे दूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले आप लोग का जो है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की वैकेंसी है, जो कि आप लोग की एएसआई की, इसके अंदर एएसआई की वैकेंसी, एएसआई की पोस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। इसमें आप लोग की रोटरी विंग्स की और फिक्स्ड विंग्स और इसके अलावा एएलएच धुरवा में आप लोग की जो रिक्रूटमेंट है, इन विंग्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग की ट्रेड है मैकेनिक की, इसके अलावा आप लोग की जो है एवियोनिक की है, मैकेनिकल की पोस्ट है, एवियोनिक की और मैकेनिकल, ठीक है। अनरिजर्व्ड की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, ओबीसी की भी वैकेंसी है, एससी की भी, एसटी की भी। तो यदि आप ओबीसी की वैकेंसी नहीं है मैकेनिक एवियोनिक रोटरी विंग में, तो चाहें तो ये आप लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है वो है आप लोग की यहाँ पे 49 वैकेंसी। इसमें आप लोग की एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए आप लोग की यहाँ पे रिजर्व कर रखी है। तो ये आप लोग की असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई में आप लोग की जो है 49 वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग की जो है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आ रही है रोटरी विंग, फिक्स विंग और एएलएच धुरवा के अंतर्गत, एवियोनिक में आप लोग की जो है टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 8 वैकेंसी, ठीक है। और इसमें आप लोग की पे स्केल वगैरह दे रखी है 29,200 से 92,300 आप लोग की यहाँ पे सैलरी है। 7 CPC आप लोग का यहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग की कांस्टेबल स्टोरमैन की, जी हाँ, कांस्टेबल स्टोरमैन में आप लोग की जो है टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें कि आप लोग की 21,700 से 69,100 आप लोग की जो है सैलरी है। 7 CPC आप लोग की यहाँ पे लगने वाली है। तो टोटल आप लोग की जो वैकेंसी है एएसआई और कांस्टेबल की, यहाँ पे आप लोग की जो है 65 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। अब क्वालिफिकेशन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशन। हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोग को ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बता दिया गया, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आप लोग के पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है, जिस ट्रेड में आप लोगों से बोला गया उस ट्रेड में आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन या फिर आप लोग का ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशू बाय इंडियन एयरफोर्स, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा आप लोग का होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन से, या फिर ग्रुप एक्स डिप्लोमा आप लोग का इशू होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स से, ठीक है। इसके अलावा 2 ईयर का आप लोग के पास एविएशन एक्सपीरियंस है आफ्टर कंप्लीटन ऑफ डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो आप लोग को प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की आप लोग की जानकारी मैंने दे दी है। इसके अलावा असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है एएसआई की वैकेंसी है, इसके अंतर्गत आप लोग के पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और इसके अलावा या फिर आप लोगों ने ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इशू बाय द इंडियन एयरफोर्स, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई की पोस्ट पे, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों से प्रिफरेली 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेविगेशन इक्विपमेंट फिटेड इन एयरक्राफ्ट ऑफ हेलीकॉप्टर हेल्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए यदि असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग की कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी है,
इसके अंदर आप लोगों से मैट्रिकुलेशन मांगा गया, जी हाँ, आप लोग होने चाहिए हाई स्कूल विथ साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आप लोग हाई स्कूल पास हैं, साइंस आप लोग के पास सब्जेक्ट है या फिर इक्विवेलेंट आप लोग के कुछ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग लिया गया है, जी हाँ, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोग के पास स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहीं पे भी आप लोग का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो, कंपनी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, अंडरटेकिंग हो, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, कोई भी हो, ठीक है, आप लोग के पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस स्टोर और वेयर हाउसिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाई स्कूल पास आप लोग होने चाहिए, वर्किंग नॉलेज आप लोग की कंप्यूटर में होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज आप लोग की होनी चाहिए। एविएशन एक्सपीरियंस इन प्रीफर, यदि एविएशन एक्सपीरियंस आप लोग के पास है तो आप लोग को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए है, यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस जरूरी है हाई स्कूल के साथ साथ। एज आप लोगों से मांगी गई है यहाँ पे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, आप लोग जो है यहाँ पे 28 से अधिक आप लोग की एज नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 26/7/2021 को आप लोग की एज जो है 28 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक दोनों के लिए। इसके अलावा कॉन्स्टेबल स्टोरमैन के लिए आप लोग की 20 से 25 साल एज है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट को आप लोग की एज काउंट होगी, यानी कि 26/7/2021 को आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। इसके अलावा आप लोग को डिटेल दी गई है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन BSF की वेबसाइट पे, आप लोग लॉग इन करेंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग को मिल जाएगी, ओपन जो कि आप लोग का ओपन होने वाला है 27/6/2021 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे, उसी दिन आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, डिटेल आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 26/7/2021 रहने वाली है। BSF रिजर्व द राइट टू मेक, इसके अलावा BSF के पास राइट्स हैं, रिजर्व राइट्स हैं, वो वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, वैकेंसी कैंसिल कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है रिक्रूटमेंट विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, बिना किसी रीज़न के वैकेंसी को यहाँ पे हटाया भी जा सकता है। तो वैकेंसी अच्छी है BSF के अंतर्गत, तो यदि आप लोगों ने भी हाई स्कूल प्लस एक्सपीरियंस है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के यदि आप लोगों ने जो है डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिक एवियनिक वगैरह में तो आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप लोग की यहाँ पे 65 वैकेंसी निकल के आ रही है, तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। और 27/6/2021 से इसके ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, तो जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होते हैं मैं आप लोग को जो है इसके ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। और यदि आप लोग भी इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होती है आप लोग को जो है इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूं। BSF की वेबसाइट है, यहीं पर आप लोग को भर्ती और ऑनलाइन की आप लोग को जानकारी मिलेगी। तो यदि आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आप लोग को जो है ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो जल्द से जल्द बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।